सब्सक्राइब करें स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए कैरमिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे वेलकम बैक, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, स्ट्रेट कट और क्रॉस कट के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। आज से कुछ वक्त पहले मैं प्रशांत मोरे, जो अभी करंट वर्ल्ड चैंपियन है, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि अशरफ, आपके पास ये गेम स्ट्रेट कट और क्रॉस कट का जो गेम है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये गेम है तभी आप बड़े प्लेयर्स जो है वर्ल्ड में अभी टॉप में खेल रहे हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हो, या फिर अच्छे प्लेयर्स को आप हरा सकते हो, या फिर अगर आपके पास ये गेम है तो आपको बीट करना मुश्किल है और आप फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हो और इफेक्टिवली कर सकते हो। तभी से मैंने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया और मैंने इस पर बहुत काम किया है स्ट्रेट कट और क्रॉस कट के ऊपर। और जो राइट टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इससे मिले हैं। दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। और दोस्तों, एक और बात ये बोलना चाहता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ तो अनलिमिटेड है, पॉसिबिलिटीज़ आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपको हर एक स्ट्रोक इस वीडियो के दौरान बताऊँ। पहले तकनीक के बारे में बात करने के बाद जब मैं आपको जब स्ट्रोक्स बताऊँगा तो सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें कुछ ऑफेंसिव स्ट्रोक है, कुछ डिफेंसिव स्ट्रोक है, जिसको ऑफेंसिव स्ट्रोक तो समझ आता है लेकिन डिफेंसिव स्ट्रोक कैसे हुआ स्ट्रेट कट, तो जिसमें आप डबल डिफेंस की बात करते हो, डबल डिफेंस की, तो ऐसे कुछ डबल डिफेंस के टाइम पे भी ये स्ट्रोक काम में आता है जब आप स्ट्रेट कट की मदद से डबल डिफेंस भी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों, आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस कैरम लर्निंग प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिसाइज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। प्रिसाइज वांट मैक्सिमम पीपल शुड लर्न कैरम एंड एंजॉय दिस गेम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। बेस्ट कैरम इक्विपमेंट्स बाय प्रिसाइज एलिगेंट। फर्स्ट मैं आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बात करूंगा स्ट्रेट कट और माइनस कट के लिए। लेट्स से ये पीस है, अब इस पीस को आप कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ से कहीं से भी मारो इस कॉइन को, यहाँ से भी कहीं से भी मारो इस कॉइन को। अगर आपको ये पॉकेट में मारना है तो ये रेंज से लेके ये रेंज तक ये कॉइन का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल रिमेन सेम। अगर आप यहाँ पे इस कॉइन को पॉकेट करना चाहते हैं तो चाहे आप यहाँ से मारो, तो ये सबसे पहले क्लियर होता है कि स्ट्रेट कट और स्ट्रेट कॉइन और क्रॉस कट और माइनस कट के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रेट कट का मतलब क्या है? स्ट्रेट कट मतलब ये कॉइन है और इसको आप स्ट्रेट लाइन में स्ट्राइकर रख के मार रहे हो तो स्ट्रेट कट उसको बोलते हैं। ऐसा आप कब कर सकते हो? जब आपको ये कॉइन यहाँ से नहीं जा रही है, इसमें बीच में कहीं पे कॉइन अगर है, इससे बीच में अगर कॉइन है, आपको इस कॉइन को पॉकेट करना है और बीच में यहाँ पे कॉइन है, तब आपको स्ट्रेट कट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको इस कॉइन को पॉकेट करते हुए इस कॉइन को बाहर निकालना है तब आपको स्ट्रेट कट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन केस आपको इस कॉइन से इस कॉइन को बाहर निकालना है तब आपको स्ट्रेट कट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ में आप स्ट्रेट कट का इस्तेमाल कर सकते हो, इस कॉइन को स्ट्राइकर, बस आपका प्लेसमेंट, अगर आपको ऐसा पोजिशन आते हैं और आपको इस कॉइन को पॉकेट करते हुए इसको बाहर निकालना है ताकि ये सीधी हो जाए, तो भी आपको स्ट्रेट कट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉइन है और ये पोजीशन है, इस पोजीशन में सामने वाले को ये बॉम्ब है जिससे वो ये कॉइन इजीली निकाल सकता है और आपका ऐसा पोजीशन है, आपको वो कॉइन एक और हार्ड है तब आप क्रॉस कट मार नहीं सकते। आप इसके बॉम्ब ये इस कॉइन को पॉकेट करते हुए स्ट्रेट कट मारते हुए इसको स्ट्रेट कट मारते हुए इसको पॉकेट करेंगे और इसको अंदर डाल देंगे यहाँ पे, तो आपके पास एक और चांस, तो आपकी सामने वाले की पीस को अंदर डालना, डिफेंस करना, उसका बम तोड़ने के लिए भी आप स्ट्रेट कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्रॉस कट के बारे में बात करता हूँ, तो दोस्तों क्रॉस कट का इस्तेमाल कब होता है? क्रॉस कट का इस्तेमाल जब जो आप कॉइन निकालने वाले हैं, ये समझो इस कॉइन से आपको ये कॉइन निकालनी है, तब आप अगर स्ट्रेट कट मार के इस कॉइन को निकालने जाओगे तो निकलेगा नहीं, आपका स्ट्राइकर यहाँ पे लगेगा, तो इसको ये एक्स्ट्रा है। जब आप स्ट्रेट कट से वहां तक नहीं पहुंच सकते तभी आपको क्रॉस कट का इस्तेमाल करना है,
तो आपका क्रॉस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका सेम रहेगा क्रॉस कट, इसीलिए आपके क्रॉस कट। अभी क्रॉस कट के स्ट्रोक्स मैं आपको बताऊंगा जब आप स्ट्रोक्स देखेंगे। अब जो नजदीक के लिए क्रॉस कट होता है, नजदीक के लिए क्रॉस कट, अब ये जो स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसा है, मैं स्ट्रेट से भी अंदर आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पॉकेट करना है, तो ऐसे केस में अगर आपका सेंटर पॉइंट अगर आप इसको मारोगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो जो नजदीक कॉइन होती है उसके लिए आपका ये पॉइंट जो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर मारना है। और क्रॉस कट के लिए हमेशा याद रखो टेंजेंट पॉइंट पे स्ट्राइकर मारना होता है। टेंजेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, अगर आप यहाँ से मार रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी है, इसके आगे स्ट्राइकर लग नहीं सकता, तो इसकी पॉसिबल मतलब एंड पॉइंट पे आपको स्ट्राइकर मारना है कट के लिए। वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही आपका रियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो 4 o'clock पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सब कुछ क्लियर हो गया, स्ट्रेट कट क्रॉस कट क्लियर हो गया। अब जो टेक्निक है मारने का उसके बारे में बात करता हूँ। लेट्स से ये कॉइन है और ये कॉइन है। अब आप जब यहाँ से इसको स्ट्रेट कट मार रहे हो या क्रॉस कट मार रहे हो तो इसकी दो चीज़ें होती है, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर आपका स्ट्राइकर लगना चाहिए, पीस यहाँ पे जानी चाहिए, और दूसरा ये पीस यहाँ पे बाहर निकल के आनी चाहिए। तो ये हमको इसका पॉसिबल जो हमको चाहिए वो ये आउटपुट है। तो इसके लिए गाइस अगर आपका ध्यान यहाँ पे जाता है इस पीस के ऊपर तो आपका ध्यान यहाँ से कम हो जाता है, तो दोनों तरफ आप ध्यान नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, जब आप स्ट्राइकर प्लेसमेंट कर दिया तो एक डिफ्लेक्शन का सिर्फ जजमेंट होता है। डिफ्लेक्शन मतलब इस कॉइन को लगने के बाद आपका स्ट्राइकर कितना घूमेगा, इस कॉइन को लगने के बाद इस पीस पे कितना घूमेगा। तो ये पीस को आपका स्ट्राइकर अगर लग रहा है तो ये स्ट्राइकर कितना घूम रहा है, तो ये सिर्फ एक जजमेंट होता है। आपको पता है यहाँ से इस पीस को अगर परफेक्ट लगा तो ये पीस तो निकलनी है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक बार स्ट्राइकर प्लेसमेंट कर दिया, स्टेप वन प्लेसमेंट स्ट्राइकर का हो गया इस पीस को निकालने के लिए, तो इस पीस को कट कर देना है, मतलब आपके माइंड से इसको कंप्लीटली हटा देना है, क्योंकि प्लेसमेंट हो चुकी है। स्टेप वन क्या है, राइट प्लेसमेंट है आपकी। स्टेप टू, जब आप मार रहे हो पीस तो सिर्फ आपको इसी कॉइन को देखना है, इसको कट कर दो, इसको भूल जाओ, ये अपने आप आएगा, इसको सिर्फ देखो, और आपका पूरा फोकस इस कॉइन पे है, पूरा फोकस इस कॉइन पे है। वो एक बार नहीं निकली तो भी चलेगा, लेकिन माइंड में ये होना चाहिए कि इस पीस को हमको 101% पॉकेट करना है। आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने बताया वो चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ यहीं पे फोकस करना है, सिर्फ यहीं पे फोकस करना है, इसको भूल जाना है, क्योंकि आपने स्ट्राइकर प्लेस कर दिया। अब क्रॉस कट में अगर आप जा रहे हो तो आपको पता है मैं यहाँ से इसको मारूंगा तो ये पीस अपने आप निकल जाएगी, लेकिन आप वहां पे देखोगे निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वहां पे उसको निकलने परफेक्ट जाओगे तो ये पीस आपको जाएगी ही नहीं। तो इस टेक्निक सिर्फ यही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको पता है, स्ट्राइकर का पॉइंट आपको पता है, सिर्फ इसको पॉकेट करने जाना है। प्लेसमेंट आपने एक बार कर लेना तो सिर्फ इसको पॉकेट करने जाना है, फिर उसको भूल जाना है, वो अपने आप निकल के आएगी। तो बस यही है राइट टेक्निक। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं स्ट्रोक्स की तरफ।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस होती है डेवलपमेंट की प्रैक्टिस। आप खेलते हो घर पर दोस्तों के साथ में या फैमिली के साथ में या क्लब में या कहीं भी, तो वो एक खेल है, वो प्रैक्टिस नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस होती है डेवलपमेंट के लिए। आपको अकेले को बैठकर इन स्ट्रोक्स, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, जो पोजीशंस मैं आपको दे रहा हूँ, जो स्ट्रोक्स आपको दे रहा हूँ, इसको एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है कैरम बोर्ड्स की, या जो भी कैरम के इक्विपमेंट्स है, जैसे स्ट्राइकर, कॉइन सेट, पाउडर, कैरम बोर्ड, लैम्प स्टैंड, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप हमें हमारे ज़रिए ले सकते हैं। हमें बताइए आपकी रिक्वायरमेंट, व्हाट्सएप नंबर ऊपर है। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप पूछना चाहते हैं, आपको कुछ आइडियाज़ चाहिए, तभी भी आप पूछ सकते हैं और हम आपको एक सही से गाइड करेंगे और सही चीज़ें क्या है वो भी बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और आपके कोई भी कमेंट्स, डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। संडे लाइव में ज़रूर आइएगा, 5 से 6 बजे के बीच में संडे लाइव हो रहा है। वीडियोस ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में 9 बजे, मॉर्निंग में 9 AM को अपलोड हो रही है। तो मिस मत करिएगा आने वाली वीडियोस, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी कुछ है और इन वीडियोस के जरिए मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। See the